जय हिंद किसान साथियों। किसान साथियों, इस समय अलनीनो के प्रभाव की वजह से हर क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ है। खरीफ की फसल लगभग सभी जगह नष्ट होने वाली है। लगभग 70 से 80% फसल सूख गई है, चाहे सोयाबीन हो, कपास हो, चाहे मूंगफली हो। लेकिन इस समय जो बुद्धिजीवी है, जैसे मीडिया वाले हैं, ये अभी किसान की फसल के थोड़े से भाव बढ़ गए थे, टमाटर की फसल के, तो हाहाकार मच गया था। लेकिन वही अभी जो सूखा पड़ रहा है उसके पीछे चुप है, चुप्पी साधी हुई है, ना कुछ बोल रहे हैं कि कुछ हुआ है। उसी के साथ ही आपने देखा होगा, अभी चुनावी साल चल रहा है, बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, किसान भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। कभी थोड़ी घोषणा कर देते हैं कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता नहीं, ये बस बोलने का होता है। सरकार ऐसा नहीं करती है। अभी तक प्रशासन, शासन, मीडिया कहाँ चुप बैठे हैं? और भी कुछ चीज़ होता है, खबरें बता रहे हैं मीडिया वाले, चांद पे पहुंच गए हम, पाकिस्तान से आ गया वो, पर खेत तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी हमारे सरकार की मीडिया है। हमारे ऐसी हालत है किसानों की कि किसान चैन से बैठ नहीं पा रहा है। उस किसान की मेन चीज़ क्या होती है कि उसकी फसल सही रहे। अगर किसान कमाएगा नहीं तो तुम क्या खाओगे? ना तो गांव के नेताओं लोगों को पता चल रहा है कि हाँ अपन कुछ करें, वोट मांगने में आगे आ जाते हैं। अभी ये बात जब नीचे से ऊपर तक पहुँचेगी तभी तो आगे तक बात पहुँचेगी। वोट मांगने आ जाते, हाथ पैर जोड़ लेते, तब तो कुछ नहीं होता है। अब भी चुनाव का साल, अब फिर से आएंगे, पर उन्हें नहीं देखेंगे, क्योंकि हम तो भैया कट्टरवादी हैं, हमको नहीं करना है, हमको किसानों से मतलब नहीं है। तो भाई साहब, किसान साथी समझे चीज़ों को। अगर वोट मांगना है तो समझा उनको, हाथों से ना माने तो जूते से मानो। पूर्ण मतदान का बहिष्कार करो, अगर ये बातें ऊपर तक नहीं पहुँचती। अभी कई क्षेत्रों में मुआवजा डाला था सोयाबीन का, वो भी कोई क्षेत्र में पहुँचा नहीं। किसी को पहुँचा है, किसी का कहाँ पहुँचा है, फसलें बर्बाद है। इस समय सोयाबीन बिल्कुल ख़तरनाक ख़राब है, किसान की स्थिति ख़राब है, किसान खेत तक जा नहीं पा रहा है, मीडिया भी जा नहीं पा रहा है, और थोड़े से दाम बढ़े तो उड़ जाते हैं। तो ध्यान रखें, इसका बहिष्कार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।